टेलीफोन की घंटी घनघनाई। मैंने जैसे ही फोन उठाया, उधर से आई मधुर आवाज़ ने कानों में मिठास घोल दी। क्या मिस्टर जोशी लाइन पर है? क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? मैंने कहा, बोल रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, उधर से पुनः बातों का सिलसिला जारी हो गया। सर, मैं न्यू लाइफ होटल से रिसेप्शनिस्ट बोल रही हूँ। हमने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है, हम चाहते हैं कि आपको उसका मेंबर बनाए। सर, इसके कई बेनिफिट है। शहर के प्रतिष्ठित लोगों से कांटेक्ट करके आप हाई सोसाइटी में उठ बैठ सकेंगे। क्रीम सोसाइटी में उठने बैठने से आपका स्टेटस बढ़ेगा और आप एस के लाइफ एंजॉय करेंगे। इतने सारे लाभों के बावजूद सर, आपके कुल बिल पर हम 15% डिस्काउंट भी देंगे। आप समझ सकते हैं सर कि यह स्कीम कितनी यूजफुल है आपके लिए। सर बताइए, मैं कब आकर मेंबरशिप ले लूँ? मैं एकाग्रता से उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि उसके लगातार बोलने के कारण मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिल सका। वह जब कुछ क्षण के लिए रुकी तो मैं तुरंत पूछा, मैडम आप पहले अपना नाम और परिचय दीजिए ताकि मैं आपकी स्कीम के संबंध में कुछ सोच सकूँ। बिना सोचे समझे कैसे मेंबर बन पाऊँगा? उसने कहा, सर मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। क्या परिचय के लिए इतना काफ़ी नहीं है? आप तो सर मेंबरशिप में इंटरेस्ट लीजिए, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। मैडम आपका कहना सही है, पर उससे पहले आपके बारे में जानना भी तो ज़रूरी है। बिना कुछ जाने पहचाने मेंबर बनना कैसे संभव है? वह अपनी बात पर कायम रहते हुए फिर बोली, सर आप मेंबर बनने के लिए यस कीजिए। जब मैं पर्सनली आकर आपसे कांटेक्ट करूँगी तब आप मुझसे रूबरू भी हो लीजिएगा। बस आपके यस कहने की ही देर है। आप जो चाहते हैं वह सब डिटेल में जान जाएंगे। हमारे ऑन रेवल कस्टमर के रूप में आप जब आएंगे तो मुलाकातें होती रहेंगी। लोगों को आपस में मिलाकर लाइफ एंजॉय कराने का चांस देना ही हमारी स्कीम का मेन मोटो है। सर प्लीज़ हमें सेवा करने का एक चांस तो अवश्य दीजिए। मेरा नाम और परिचय जानने में आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? यह तर्क सुनने के बाद भी मैं अपनी बात पर अटल रहा। मैंने कहा, मैडम जब तक आप नाम और परिचय नहीं बताएंगी तब तक आपके प्रस्ताव पर कैसे विचार करूँ? जब उसने देखा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ तो हार कर उसने कहा, सर जब आपको इसी में सेटिस्फेक्शन है कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं दिए देती हूँ, पर सर मेरी भी एक शर्त है, इसके बाद आप मेंबर अवश्य बनेंगे। आप इसका भी वादा कीजिए, मैंने हंसते हुए कहा। पहले कुछ बताइए तो सही, उसने कहा, सर मेरा नाम खुशबू है। और यह बताने के साथ ही उसने फिर अपनी बात दोहराई और बोली, अब तो प्लीज़ मान जाइए। मैं कब आ जाऊँ? उसके बार बार के मनोहार पर कोई ध्यान न देते हुए मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, मैडम कितना सुंदर नाम है खुशबू, जिसे बताने में आपने इतनी देर लगा दी। जब नाम इतना स्वीट है, आपकी आवाज़ इतनी मधुर है, आप बात इतने सलीके से कर रही हैं तो स्वाभाविक है आप सुंदर भी बहुत होंगी। सच कहूँ तो आपके दर्शन करने की अब इच्छा होने लगी है। अपनी तारीफ सुनकर उसने हंसकर कहा, सर अब आप मेन इश्यू को अवॉइड कर रहे हैं, यह सही नहीं है। जो आपने नाम पूछा वह मैंने बता दिया, फिर आप मेरी तारीफ करने लगे और अब दर्शन की बात। आखिर इरादा क्या है आपका? सर हमने बहुत बातें कर ली, अब आप काम की बात पर आइए। सर बताइए कब आकर दर्शन दे दूँ? वह बार बार सदस्यता के लिए रिक्वेस्ट करती जा रही थी, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी जिसका समाधान करना उपयुक्त समझा। मैंने पूछा, खुशबू जी इतने बड़े शहर में आपने मुझे ही क्यों इसके लिए चुना? शहर में और लोग भी तो हैं, उसने गंभीर होकर कहा। सर वास्तव में स्कीम लॉन्च होने पर हम शहर के स्टेटस वाले लोगों से फ़ोन पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जो हमारी मेंबरशिप अफोर्ड करने योग्य है। वैसे आपके नाम का प्रपोजल आपके मित्र प्रमोद जी ने दिया था, उन्होंने कहा था कि यदि मिस्टर जोशी तैयार हो जाए तो मैं भी मेंबर बन जाऊंगा। इसलिए आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूं क्योंकि आपके यस कह देने पर हमें आप दोनों की मेंबरशिप मिल जाएगी। सर अब तो सारी बातें क्लियर हो गई है, इसलिए अब कोई और बहाना मत बनाइए। बताइए मैं कब आऊँ? यह सुनकर मैं पशुपेश में पड़ गया क्योंकि कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। मुझे चुप देखकर उसने घबराई आवाज़ में पूछा, सर अब क्या हो गया? किस गंभीर सोच में पड़ गए हैं? लाइफ में एंजॉय करने का चांस आपका वेट कर रहा है और आप इतनी देर से सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा, ना कम से कम मेरी बात मानकर एक चांस तो लीजिए। नो रिस्क नो गेन, मैंने कहा। खुशबू जी मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, आपको जानकर दुख होगा कि मैं अब 65 का हो गया हूँ। जीवन के इस पड़ाव में आपके द्वारा दर्शित जिंदगी का उपभोग कैसे कर सकूंगा? एंजॉय करने के दिन तो लद गए, उसने तुरंत मेरी बात को काटते हुए कहा। जोशी जी यही उम्र तो होती है मौज मस्ती करने की। जब आदमी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाता है, फ्री माइंड हो, एंजॉय करने का मजा ही कुछ और होता है। आप मैसेज को साथ लेकर आइए और दोनों मिलकर लुत्फ़ उठाइए। आप अभी तक जो मज़ा नहीं उठा पाए हैं उसे कम से कम लेटर एज ग्रुप में तो उठा लीजिए, मैंने कहा। यही तो परेशानी है, श्रीमती जी एक घरेलू और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं,
होटलों में आना जाना उन्हें पसंद नहीं है, आज तक वो कभी गई ही नहीं, फिर अब कैसे जा पाएंगी। हमारे दौरे में आज जैसा होटलों में जाने का चलन और संस्कृति नहीं थी, फिर इस उम्र में लोग क्या कहेंगे, आप ही बताइए। इन हालात में आपका प्रस्ताव कैसे स्वीकार करूँ। उसने तपाक से कहा, जोशी जी, आप जैसे एज ग्रुप वालों के साथ यही तो समस्या है कि सेल्फ डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अपना इंटरेस्ट और फ्यूचर क्यों किल कर रहे हैं आप। यदि आपकी मैसेज को होटल आने में दिक्कत है तो क्या हुआ, उसका समाधान भी मेरे पास है। मैं आपके लिए पार्टनर का प्रबंध कर दूंगी। हाई सोसाइटी में तो यह आम बात है, हमारे यहाँ कई सिंगल फीमेल मेंबर्स हैं, वे भी यही सोचकर मेंबर बनी है कि यदि अदर सेक्स का कोई सिंगल मेंबर होगा तो वे उनके साथ पार्टनरशिप शेयर कर लेगी। जोशी जी, जरा सोचिए, अब उन्हें आपके साथ एडजस्ट होने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपको क्या डिफिकल्टी है। बस आपको करेज दिखाने की ज़रूरत है, बाकी बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप कोई टेंशन ना ले अपने ऊपर, मैं हूँ ना, सब मैनेज कर दूंगी। आप तो अपनी चॉइस भर बता दीजिए, बस अब कोई और बहाना मत बनाइए और हमारा ऑफर फाइनल करने का सोचिए। खुशबू की खुली और बेबाक दलीलें सुनकर मैं सदके में आ गया। मन में अकुलाहट होने लगी, सोचने लगा कि कहीं मैं उसके शब्द जालों में घिरता तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उससे बात करते हुए मन को आनंद की अनुभूति हो रही थी। टेलीफोन के मीटर घूमते रहने की भी चिंता नहीं थी, इसलिए बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछ लिया, खुशबू जी, इस प्रकार की पार्टनरशिप में पैसे काफ़ी खर्च हो सकते हैं, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, इसका खर्च सब कैसे और कहाँ से बर्दाश्त कर सकूंगा। उसने कहा, आपका यह सोचना सही है, हमारी एनुअल मेंबरशिप ही 10,000 रुपये का है। होटल विजिट की सिंगल सिटिंग में 800-900 का बिल आना साधारण बात है, पर आप चिंता क्यों कर रहे हैं, इस बिल पर 15% का डिस्काउंट भी तो मिल रहा है आपको। वैसे कभी कभी पार्टनर के बिल का पेमेंट भी आपको करना पड़ सकता है, कभी वह भी पेमेंट कर दिया करेंगी, मैं उन्हें समझा दूंगी। वह मुझ पर छोड़िए, वह एक पल रुक कर फिर बोली, जोशी जी, एक बात कहूँ, जब लाइफ एंजॉय करना ही है तो फिर पैसों का क्या मुँह देखना, आखिर आदमी पैसा इसीलिए तो कमाता है, फिर बिना पार्टनरशिप के ज़िंदगी में एंजॉयमेंट कैसे होगा। सिर्फ रुखी सुखी दाल रोटी खाना ही तो ज़िंदगी का नाम नहीं है। जोशी जी, एक बार इस लाइफ स्टाइल का टेस्ट करके देखिए, सब कुछ भूल जाएंगे। शुरू में आपको कुछ अजीब अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार के बाद आपका मन आपको बार बार यहाँ विजिट करने को मजबूर करेगा। इसका नशा सिर चढ़कर बोलता है, यही तो रियल लाइफ का एंजॉयमेंट है। खुशबू जी, मैं 65 का हूँ, क्या ऐसा करना मुझे अच्छा लगेगा। मैंने यह कहा तो वह तुनक कर बोली, जोशी जी, आप एज का आलाप क्यों कर रहे हैं, अरे हमारे यहाँ तो 75 तक के मेंबर हैं, उन्होंने तो कभी लाइफ एंजॉयमेंट में एज फैक्टर को काउंट नहीं किया। जिंदा दिली इसी को कहते हैं कि आदमी हर एज ग्रुप में स्वयं को फुल ऑफ यूथ समझे, बस जोश और होश से जीने की मन में तमन्ना होनी चाहिए, आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। जरूरत है सिर्फ आत्मविश्वास की। खुशबू जी द्वारा आधुनिक जीवन दर्शन का तर्क सुनकर मैं अचंभित हुए बिना नहीं रहा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रत्येक बात का एक अकाठ्य तथ्यात्मक उत्तर उसके पास है, वह मुझे प्रत्येक प्रश्न पर निरंतर करती जा रही है। अंदर ही अंदर भय भी लग रहा था, एकाएक मन में एक नवीन विचार आया, उनसे तुरंत पूछ बैठा कि आपकी एज क्या है। यह सुनकर वह चौंक गई और कहने लगी, अब मेरी एज बीच में कहां से आ गई। पर जब इसके लिए मैंने मजबूर किया तो उसने हंसते हुए कहा, आप स्वयं समझ सकते हैं कि न्यू लाइफ रेस्टोरेंट की रिसेप्शनिस्ट की एज क्या हो सकती है, इतना तो श्योर है कि मैं आपके एज ग्रुप की नहीं हूँ, फिर भी बताइए तो सही, मैं विशेष कारण से पूछ रहा हूँ। 24। इसके बाद मैंने फिर प्रश्न किया कि आपके माता पिता भी होंगे, उसने सहजता से हाँ में उत्तर दिया। मैंने फिर पूछा, खुशबू जी, क्या आपने उन्हें भी सदस्य बनकर जीवन का आनंद उठाने का अवसर दिलाया है, वे तो शायद मुझसे भी कम उम्र के होंगे। जब आप अन्य लोगों को लाइफ एंजॉय करने के लिए प्रोत्साहित और अवसर प्रदान कर रही हैं तो उन्हें क्यों और कैसे भूल गई, वे भी तो अन्य लोगों की तरह इंसान है, उन्हें भी जीवन में आनंद उठाने का अधिकार है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। पूर्व में आप ही ने कहा कि यही उम्र तो एंजॉय करने की होती है, इसलिए आपको स्मरण दिलाना मैंने उचित समझा। मेरी बात सुनकर शायद उसे अच्छा नहीं लगा, खिन होकर बोली, आप मेरे माता पिता में कैसे इंटरेस्ट लेने लगे, मैं तो आपके बारे में चर्चा कर रही हूँ। आप ठीक कहती हैं, मैंने कहा, आपके माता पिता से मेरा इंसानियत का रिश्ता है, मुझे यही लगा कि जब आप सभी लोगों को जीवन में इतना सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए आमादा होकर जोर दे रही हैं तो फिर इसमें मेरा भी स्वार्थ है। उसने तुरंत पूछा, मेरे माता पिता से
आपका क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है? तब मैंने कहा, कुछ खास नहीं, मुझे उनकी कंपनी मिल जाएगी। आप मुझे पार्टनर दिलाने का जो टेंशन ले रही है, उनसे मैं आपको मुक्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उन्हें भी मेंबर बनाने की नेक सलाह दे रहा हूँ। बिना अवरोध के अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, खुशबू जी, आप उन दोनों के मेंबर बन जाने का शुभ समाचार मुझे कब दे रही हैं, ताकि मैं खुद आपके पास आकर सदस्यता ग्रहण कर सकूँ? मेरी इस बात का उत्तर शायद उसके पास नहीं था। अब उसकी बारी थी निरुत्तर होने की। एकाएक खट की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। मैंने एक लंबी सांस ली और फ़ोन रख दिया। पिछले 20 मिनट से चल रही बातचीत के क्रम का इस प्रकार एकाएक पटाक्षेप हो जाना मेरी एकाग्रता भंग हो गई। मैं गंभीरता से बीते क्षणों में हुई बातचीत के बारे में सोचने लगा कि आज के इस आधुनिक युग में विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को जीवन में आनंद और सुख शांति की परिभाषा जिस प्रकार युवाओं द्वारा परोसी तथा पेश की जा रही है, वह कितनी घिनौनी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उपभोक्ता को किसी भी प्रकार आकर्षित कर उन्हें सिर्फ ईट ड्रिंक एंड बी मेरी के आधुनिक माया जाल में लिप्त और डुबो दिया जाए। क्या यह सब बातें हमारे भारतीय संस्कृति, संस्कारों, आदर्शों और परंपराओं के अनुरूप और उपयुक्त है? दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।